तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोकिया का इस प्रकार का आपको यहाँ पे लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको डिस्प्ले और कीपैड दोनों देखने मिल जाता है। आप टच स्क्रीन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले में कहीं पे भी टैप कीजिएगा तो टैप करने के बाद आपको इंटरनेट का, कैमरा का, आपको अगर स्नैक गेम खेलना है वो कर सकते हैं। कस्टमाइज और एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे इंटरनेट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप यहाँ पर दोस्तों सर्च कीजिएगा। तो सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। और कीपैड से अगर आपको बैक होना है तो दोस्तों आप यहाँ पे बैक हो सकते हैं, और कीपैड से भी अगर ऑन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे कीपैड से भी ऑन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में यहाँ पे गो टू ऑप्शन में जाइएगा तो कैमरा का भी ऑप्शन मिलेगा, कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर कैमरा दोनों देखने मिलेगा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर ऑन होगा, रियर कैमरा यूज़ करना है तो रियर कैमरे पर स्विच पर क्लिक कीजिएगा तो रियर कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा। फोटो क्लिक करना है तो आप यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं, सेव करना तो दोस्तों आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। साथ में मेनू का ऑप्शन मिल जाता है, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, ब्राइटनेस को आपको डिक्रीज इंक्रीज करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन, ब्लूटूथ का ऑप्शन, मोबाइल डाटा का भी ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ये ऑप्शन देखने मिलेगा। डायल करना है, आपको कॉल लगाना है तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये कौन सा लॉन्चर है। तो सबसे पहले अगर इजिप्ट होना है तो इजिप्ट होने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे जैसे बैक होइएगा, गो टू वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको इजिप्ट लॉन्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसको जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो सिलेक्ट करने वाला जो भी आपका डिफॉल्ट लॉन्चर है उसको आपको यहां पे सेट करना है। देन उसके बाद आप क्या करें, प्ले स्टोर में जाए, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर नोकिया 1280 लॉन्चर देखने मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है और देन ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो सिलेक्ट करने इस प्रकार का आपको यहां पर इंटरफेस देखने मिलेगा, जिसको दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं।